एक बहन ने क्वेश्चन किया कि इनके शौहर ने इनको एक तलाक दी और दौरान इद्दत रुजू नहीं किया, हत्ता कि इद्दत गुजर गई। अब ये कहती हैं, इद्दत गुजर जाने के बाद मेरे शौहर ने कहा कि अब तुम मेरे निकाह में नहीं हो, तो क्या इस जुमले से मज़ीद कोई तलाक वाक़ होगी या नहीं होगी? देखें, इद्दत के दौरान अगर लफ्ज़ तलाक से तलाक दी थी तो इद्दत के दौरान निकाह मुकम्मल तौर पे नहीं टूटता, और अगर शौहर बीवी को अपने निकाह में रखना चाहे तो बग़ैर निकाह के रुजू कर सकता है। रुजू ज़बान से होता है कि मैंने तुझसे रुजू किया, या जिस्मानी ताल्लुक़ को कायम कर लें जो मियाँ बीवी के मामलात होते हैं तो ये रुजू कहलाता है। लेकिन अगर इद्दत गुजर जाए और उस दौरान रुजू नहीं किया तो फिर मुकम्मल तौर पर निकाह टूट जाता है और एक वो औरत मिसले अजनबिया के हो जाती है। चुनाचे अब अगर इद्दत गुजर जाने के बाद शोहर ने उसको कोई भी तलाक के लफ्ज़ भी कहा होता, ये तो फिर किनाया का सा अल्फाज हैं, अगर तलाक के सरील अल्फाज भी कहता तो चूंकि वो अजनबिया हो गई तो उन अल्फाज का कोई एतबार ना होता।